आज का महानगर में आपका स्वागत है। मीरा रोड में हुए धार्मिक हिंसा के बाद अब वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ हिंदू संगठनों के लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है तो दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी तीखी कार्रवाई जारी रखे हुए है। परंतु दुख की बात तो ये है कि ये सभी कार्रवाई एकतरफा हो रही है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये हिंदू संगठनों के लोग उत्पाद मचा रहे हैं, देखिए किस प्रकार ये लोग सोसाइटियों में घुस रहे हैं, रिक्शा तोड़ रहे हैं, बंदूकें तलवारें लहरा रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जिन गंभीर धाराओं के तहत वहाँ के मुसलमानों पर कार्रवाई की गई है, 307 जैसे धाराएं इसमें जोड़ी गई है, परंतु पीड़ित का शिकायतकर्ता का पता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भाजपा विधायक जो अपनी तीखी भाषा के लिए जाने जाते हैं, नितेश राणे, ये किस प्रकार पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं, ट्रांसफर की धमकी दे रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, तो क्या इन्हें ये तोड़फोड़ करते हिंदू संगठनों के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या सारी कार्रवाई एक तरफा होगी? अभी भी नया नगर में भारी पुलिस बल के साथ तोड़ू कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर कल तक की परिस्थिति थी। तो बिल्डिंग में घुस गई है ब्रो, ये अपनी गाड़ी किधर है? बाहर निकलो अभी तुम्हारी। अरे अपनी पब्लिक सेक्टर मारो, लौड़े लो। ये कहाँ है?
अरे अपने पत्थर देखिए लौड़े। जय श्री राम। रिक्शा पलटी, रिक्शा पलटी, समझा तो नगर के अंदर तुम्हारी मारती थी ये पुलिस आ गई है भाई। अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं बच्चा दिया घर पे। ए गुवा, जय श्री राम। ये मार की मार कर ले तो ए वीडियो मत करो, मार दे कट कट कट। बाबू बाबू छुटे गए। त्याच्यामध्ये 13 आरोपींना अटक केलेली आहे। सीसीटीव्ही फुटेज तपासून जे जे लोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाही। अत्यंत कडक कारवाई ही त्या ठिकाणी केली जाईल आणि जे लोक अशा प्रकारे हुडदंग करतायत, अतिक्रमण करतायत, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी अवैध बांधकामं करतायत, अवैध धंदे करतायत, या सगळ्यांवर कारवाई केली जाईल। मैम अभी आप कमिश्नर साहब से मिलने आई थी, क्या बात हुई? देखिए कमिश्नर साहब को ये हमने कहा कि महिलाओं के साथ उस दिन एक सामान्य फैमिली अगर अपने धर्म की ध्वजा लेके जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाह अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे, ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसा कौन सा, ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है और नितेश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहां से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है। मैडम जितने लोग आप संतुष्ट हैं, जितनी कार्रवाई हुई, जितने लोग गिरफ्तार किया गया? आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इल्लीगल एनक्रोचमेंट है वो तोड़े जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो ताकि हम भी कह सके कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, आप देखते होंगे शांतिनगर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां से वो उनकी दादागिरी में हम वहीं बैठेंगे, जबकि प्रशासन ने कह दिया फेरी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम वहीं बैठेंगे। ये जो प्रशासन के अधिकारियों को मारना, कल तो पुलिस वालों पे हाथ उठाया, ये सब नहीं सहा जाएगा। लोकशाही है, हम सहिष्णु है, कायर नहीं है। मैम कुछ मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि 10 मिनट के लिए समय दे दो, 15 मिनट के लिए समय दे दो, इस तरह के मैसेज? जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। आज आपल्या मीरा रोड मध्ये सर्वात प्रथम मी एक स्पष्ट करतो की मी इकडे कुठला आमदार किंवा कुठलाही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून आलेलो नाहीये। मी एक हिंदू म्हणून माझ्या हिंदू समाजाबरोबर उभं राहण्यासाठी, हिंदू समाजाला ताकद देण्यासाठी, सकल हिंदू समाज बरोबर आम्ही आहोत हे सांगण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे। हा दौरा कुठला राजकीय नाहीये, पण माझा समाज, हिंदू समाज, त्याला जे काय वाकड्या नजरेने पाहिलं जात आहे, त्याला जे आव्हान जे दिलं जात आहे, त्यासाठी मीरा रोडच्या हिंदू समाजाला
मी विश्वास देतो की तुम्ही बिलकुल घाबरण्याची गरज नाही। आपल्या राज्याचे गृहमंत्री एक कडवट हिंदुत्ववादी आहेत। देवेंद्र फडणवीसजींचा या सगळ्या घटनेवर फार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि जे जे काय इथे रोहिंगे आणि बांगलादेशी मुसलमान जे काय मस्ती करतायत नया नगर मध्ये, त्यांना असं वाटतंय की तो नया पाकिस्तान म्हणून तिथे ठेवलाय। या कुठल्याही गोष्टी आम्ही सहन करणार नाही हे स्पष्ट संदेश देण्यासाठी आज आमचा हा दौरा इथे लागलेला आहे। मी काही पीडित कुटुंबांना स्वतः भेटलेलो आहे, एवढी यांची हिम्मत आहे की आमच्या बजरंगबलीच्या फोटोवर तोंडात बोट घालून उलटी करण्याची हिम्मत हे लोकांनी केलेली आहे। आमच्या माता भगिनी ज्यांचा त्या दिवशीच्या मोर्चामध्ये काय संबंध नव्हता त्यांना पकडून त्यांना मारलं गेलं आणि मारताना त्यांना हे सांगितलं गेलं की आमच्या तेरा राम बचाने ऐका क्या। मी या जिहाद्यांना सांगतो तुम्ही माझा ऐकत असाल, हा व्हिडिओ सगळीकडे मुद्दामून बघा, या पुढे अशा पद्धतीने कोणालाही माझ्या हिंदू समाजाच्या कुठल्याही व्यक्तीला वाकड्या नजरेने पाहिलं तर कायदा आणि सुव्यवस्थाची चिंता न करता इथे तमाशा करण्यासाठी आम्ही निश्चित पद्धतीने इथे येऊ। नया नगरचे कोणीही लाड या पुढे करणार नाही। मी आता पोलीस आयुक्तांना पण सांगितलंय की तिकडचे बॅरिकेड 24 तास मध्ये हटवले पाहिजे आणि 24 तास मध्ये अगर ते बॅरिकेड हटवले नाही तर आम्ही स्वतः तिथे जाऊन बॅरिकेड तिथे हटवून टाकणार आणि आम्ही तिथे रास्ता मोकळा करणार। तो जो काय एक मुलगा जो पकडला गेला त्याचा व्हिडिओ फिरतोय बघा सगळीकडे, कोणाकडे असेल तर जरा दाखवा तो व्हिडिओ द्या जरा, एक कोणीतरी दाखवा मला जरा। मुद्दा म्हणून दाखवायचंय की त्या व्यक्तीचा विषय नाहीये, तो जे काय बोलतोय त्या व्हिडिओ मध्ये हे जे काय तो बोलतोय हा या व्यक्तीचा विषय नाहीये, पण ही जी काय मानसिकता आहे, ही जी काय वृत्ती आहे, ही आम्हाला ठेचून काढायची आहे। हा जो काय आत्मविश्वास त्याचा आमच्या पोलिसांवर आहे तो पहिलाच बोलतोय की इथे बॅरिकेड लागणार आहेत आणि तसे बॅरिकेड लागलेले आहेत। तो पहिलाच बोलतोय की यूपी समज के रखाय क्या, म्हणजे इकडचे जे काय पोलीस आहे तो त्या नया नगरचा जो पियायला सांगेन तुझी आता बिर्याणी अगर तुझी जिरली असेल ना ते आता वेगळी जिरवण्यासाठी यावेळीचं अधिवेशन येऊन दे, आम्ही दाखवतो तुला तुझे ते जिहादी तुला वाचवायला येतात काय। एका वर्षामध्ये त्या नया नगरमध्ये 35 मुलींचं धर्मांतर झालेलं आहे हिंदूंचं 35। तिकडचा राहणारा जो हिंदू समाज तो भीतीच्या वातावरणामध्ये केसेस होतात, हिंदू संघटनेवर केसेस होतात, हिंदू समाजाला टार्गेट केलं जातं, त्या दिवशी पण तो लाठीचार्ज झाला। काय चूक होती त्या हिंदूंची जे काही 22 तारखेला तिथे बाहेर निघाले होते, 22 तारीख हे देशभरातल्या हिंदूंसाठी मोठा सण होता, मग तुमच्या मोहरमच्या टायमाला आम्ही असे धिंगाणे घातले, तुमच्या महिलांना आम्ही थांबवून त्यांना विचारलं की अभी क्या तेरे को तेरा उपरवाला बचाने आएगा क्या, मग चालेल का तुम्हा लोकांना। रील बनवले जात आहेत, रील मी दाखवले आता पोलीस कमिशनरला के 10 मिनिट केले पोलीस को छुट्टी दे दो, जंग छिड गई है असे ते स्वतःच आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट वर ट्विटर वर टाकतायत, म्हणजे एवढी हिम्मत। या देशात या राज्यात हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार आहे, हे काय तुमचं महाविकास आघाडीचं सरकार नाही जे तुम्हाला लाड करणार इकडे। तिकडे नया नगर मध्ये काल परवा जेवढे लोक आतमध्ये जात होते त्यांचे आधार कार्ड चेक केले जात होते, आता यापुढे आम्हाला पण बघायचं आहे त्या नया नगरचे कोणाचे लाड होतात, अतिक्रमण आता हटवण्याचे बुलडोजर कोणीतरी चालवले आम्ही असं ऐकलं अतिक्रमण हटवत आहे, यापुढे अगर तिथे अतिक्रमण हटवले नाहीत
तर मग बुलडोजर आम्ही पण इथे आणू शकतो आणि असे बुलडोजर ते चालू ना ते मग परत कोण बुलडोजर कडे वाकड्या नजरेने बघणार नाही असे बुलडोजर सगळीकडे चालू येऊ सगळी माहिती आमच्याकडे आहे म्हणून हे सगळी जी काय मस्ती चालू आहे या निमित्ताने मी पोलिसांना आताच सांगितलेलं आहे तुमच्या ह्या कृतीमुळे आमच्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं नाव खराब होत आहे आमच्या सरकारचं नाव खराब होत आहे तुम्ही अगर व्यवस्थित अगर काम केलं नाही तर पुढे काय करायचं आहे ना आम्ही आमच्या ह्याच्यातून दाखवतो तुम्हाला कृतीतून दाखवतो विधानसभा आहे मग सस्पेन्शन ऑर्डर हातात आले ना मग रडत बसायचं नाही तेव्हा मग ते जिहादी वाचवायला येणार नाही म्हणून या सगळ्या परिस्थिती बदलावी यासाठी मी इथे आलेलो पोलिसांशी जे बोलायचं होतं मी आणि माझे अन्य हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते होते बरोबर त्यांनी पोलिसांनी जे पोलिसांना जी पाहिजे होती ती माहिती परत दिली आहे मला सांगितलं गेलेलं आहे की परिस्थिती बदलणार आता आम्ही नजर ठेवून आहोत परिस्थिती बदलली नाही तर मी पुढच्या वेळी सांगून येणार नाही आणि पुढच्या वेळी न बोलता नायानगरमध्ये जाऊन उभा राहील मलाही बघायचं आहे कोण मस्ती करतो का अजून प्रश्न सर वो जो उसमें वीडियो में आपने भी दिखाया वो वीडियो में वो बोलता है कि तुम्हारा राम के नया नगर में आया था उसके लिए पुलिस वाले को क्या जवाब था कुछ नहीं उसको उन्होंने हमको बोला कि हमने उसको अरेस्ट किया मगर मैं बोला कि ये एक आदमी का सवाल नहीं है ना मगर ये जो उसकी मेंटेलिटी है उसका जो कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी करूंगा तो भी मेरे को कुछ होगा नहीं इसके खिलाफ आज हम लोग इधर आए इसके खिलाफ पुलिसों को खड़ा रहना चाहिए ये कॉन्फिडेंस उसको आता कैसे है डर अगर उसके अंदर नहीं रहेगा ना तो डर पैदा करने का काम हमारे पुलिस का डिपार्टमेंट में करना चाहिए वरना हम हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता ना सक्षम है डर पैदा करने के लिए गिने चुने 15-20% लोग है हम 80% लोग है इतना याद रखना चाहिए सर नया नगर मध्ये जी तोडक कारवाई पालिके मार्फत झाली त्यावरती काय माझ्यावर उपकार केला पालिकेने पालिकेला अगर ते जमत नसेल ना त्या आयुक्ताला जमत नसेल खुर्च्या गरम करायची असतील ना तर खुर्ची सकट त्याला कुठेतरी पाठवायला पाहिजे मग सर हिंदी में नहीं सर दीदाजी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रविवार के दिन जो है काफी घटना जो है मिला रोड भाईगढ़ के इलाके में हुई है आज आप सीपी ऑफिस में आए हो क्या कारण है किस तरीके से इन सारी चीजों को ऐसा है कि जो परिस्थिति इधर है वो परिस्थिति में जो हमारा इधर रहने वाला जो हिंदू समाज है वो डर के माहौल में है उनको ऐसा लगता है कि पुलिस उनको बचा नहीं पा रही है जो उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ वो हिंदू समाज के ऊपर होना नहीं चाहिए था क्योंकि मस्ती वो जिहादियों ने पहले किया है ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग जो ये नया नगर में रहते वो इधर आके अगर उनको दंगा करना है हमारे बहनों को उसने रोका और हमारे बजरंग बली के फोटो के ऊपर उल्टी करके निकाला है थूका है उसके ऊपर और तेरा राम तेरे को बचाने आएगा क्या अल्लाह अकबर ये सारा जो अगर तुमको इधर करना है ना वो नया नगर क्या नया पाकिस्तान नहीं है फिर उधर क्या करना है कितना बुलडोजर उधर चलाना है ना हमको अच्छी तरह से मालूम है इसलिए पुलिस ने अपना काम अगर पुलिस करना नहीं चाहती पुलिस को अगर उनके वजह से हमारे होम मिनिस्टर जी का अगर बदनामी हो रहा है तो इन सब पुलिसों को आगे क्या करना है ना हम अभी कल देवेंद्र जी को और होम मिनिस्टर को मिलके ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले ये सो जो मस्ती चालू है मैं उन विटनेस को जाके मिलके यहाँ आया हूं तो इसलिए अगर ये परिस्थिति बदली नहीं तो आगे अगर जंग छेड़नी है ना तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है इसलिए वो समझ जाए सर त्या व्हिडिओ मधला जो आरोपी आहे त्याच्यावर फक्त आयटी ऍक्ट अंतर्गतच कारवाई केलेली आहे तो दंगलीमध्ये पण होता मी पण मला पण पाहिजे की तो लवकर सुटावा पोलिसांचं काय फेल्युअर असं वाटतं का तुम्हाला या संपूर्ण पोलिसांच्या फेल्युअर पेक्षा मला हे 2-3 सडके आंबेड आमच्या डिपार्टमेंटचं नाव खराब करतायत म्हणजे म्हणून मी बोलतो की त्यांनी लवकर बेल घ्यावं आम्ही थांबलोय मस्ती उतरवण्यासाठी आम्ही थांबलोय कुठेतरी त्यांची पूर्वतयारी असल्याचं नक्की आहे मला जे विटनेस लोकांनी सांगितलं ते लोक 100-100, 200-200 लोक बाहेर आले आणि आता पोलिसांकडून 13 लोक, 10 लोक अशी तुटपुंजी कारवाई चालू आहे घटना घडली 21 तारखेला अटक सुरू झाली 23 तारखेला म्हणजे काय मध्ये काय इथे काय गोटे खेळत होते काय नाही अटक केली त्या लोकांना का लाड चालू आहे त्या लोकांचे
म्हणून ही सगळी परिस्थिती अगर बदलली नाही ना मग होऊन द्या उद्या तेच बोलतो जंग खेळायचीच असेल ना आम्ही लोक पण तयार आहोत हे 10-15% इथे वळवळ करणारे आम्हाला 80% लोकांना काय नाही करू शकत आता रस्ते बघा मुलं बोलतायत की चलो नयानगर आता पाकिस्तान दाखवून दाखवू ते नगर पाहिजे असेल तर नितेश साहब इस तरह की सर से आपकी मुलाकात हुई है उन्होंने क्या आश्वासन दिया सीपी सर ने आज आपने देखिए ऐसा है सीपी मेरे को आश्वासन दे उसके लिए कि मैं इधर टाइम पास करने आया नहीं सीपी को ये बताने आया हूँ कि ये जो परिस्थिति है वो बदलनी चाहिए इसके वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है इसके वजह से हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम खराब हो रहा है ये अगर परिस्थिति बदलेगी नहीं तो आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ना हमारी सरकार है हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है इसके बाद अगर हमारे कोई भी कार्यकर्ता को टारगेट किया हमारे ये दौरे के बाद मेरा एक भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता को टारगेट किया ना एक के ऊपर केस लिया तो 24 घंटे में वापिस आऊंगा और इधर तमाशा हो जाएगा ऐसा बोल के आया हूँ इस प्रकार की चिटपुट घटना जैसे मिलत नगर में वगैरह हुई है आयुक्त कार्यालय मधे की एकंदरीत कामकाज आयुक्त कर्मचारियों आक्षेप घर कारवाई होना का उद्या फडणवीस आज जी आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले आहे ना आम्ही फडणवीस साहेबांचे कान आणि डोळे म्हणून इथे बसलेलो आहे त्यांना ही परिस्थिती हे लोक एकतर्फी जी माहिती देतात ना उद्या आम्ही त्यांना जाऊन जी सत्य परिस्थिती आहे ती आम्ही आमच्या साहेबांना कारण का त्यांची बदनामी होते या सगळ्या सारख्या आंब्यांमुळे म्हणून जी माहिती आहे जे विटनेसनी मला सांगितलं ज्या पद्धतीने निरपराध लोकांना त्यांची बिचाराची काय चूक नाही नुसता झंडा लावला म्हणून त्या लोकांना अटॅक केलं गेलं यावर आता बघा पुढे हे एक एक कसे घरी जातात इस प्रकार के व्हिडिओ मिलत नगर और पनवेल में भी आए तो क्या वहां पर भी ऐसा है कि कल के एक डेढ़ दिन में बहुत महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे इस तरीके के राइड हुए वहां वहां के पुलिस कमिश्नर के और सब पुलिस डिपार्टमेंट के टच में हम लोग है जिधर जिधर हम लोग को कार्रवाई करना है वो सब जगह हो जाएगी चिंता मत करो कोई छोड़ा नहीं जाएगा ये क्या महाविकास आघाड़ी का सरकार नहीं है उनको समझेगा अभी थोड़े दिनों में सर नया नगर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है खत्म हो जाएगा क्या आप देखो उधर उधर नहीं जय श्री राम का नारा लगेगा ना तो मेरा नाम बदल देना जय श्री राम जय श्री राम सर भाजपा विष्णूचा 13वा अवतारान जन्म घेतला आहे आम्ही रामाचं पूजन करू तुम्ही मी हे सोडून कुठलेही दुसरे प्रश्न घेणार नाही सर पथराव किया गया मुस्लिम समुदाय की ओर से तो कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने गिरफ्तार किया है कल शाम को पथराव हुआ है भाई मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पुलिस कमिश्नर ने दी 14 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि 100 से ज्यादा लोग उधर थे जो मुझको आई विटनेस ने कहा है हम लोग ने इनको बोला जल्द से जल्द तुम लोग इधर कार्रवाई करो हमको ये भी कहा गया है कि हम लोग ने उधर अतिक्रमण हटाने का काम बुलडोजर चालू किया है तो ये सब अभी हम लोग के एक ट्रेलर के वजह से हुआ है अगर पूरा पिक्चर दिखाना है तो हम लोग वापिस आने को तैयार है कल शाम को 250-300 लोग पथराव में थे सर मालूम है ना वही तो हम लोग ने बोला अंदर अभी अंदर हम लोग ये थाम रहे बाबा अरे एक उत्तर तेरे देऊन दे एक से हम लोग 10-15 जन के अरेस्ट से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है मेरे हिसाब से 100-200 से ज्यादा लोग है इनको सब मालूम है सीसीटीवी कैमरा है पुलिस क्या कर सकती है ना वो जानने वाला कार्यकर्ता में है इसे पुलिस ने अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए और इसके बाद उनको भी समझना चाहिए कि ये हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है यहाँ ऐसी मस्ती चलेगी नहीं बोला का नितेश जी 34 घंटे में 3 घटनाएं हुई है क्या प्रशासन सरकार की विफलता नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसे सब मस्ती करने वाले लोग हैं मगर हमारे गृह मंत्री साहब सक्षम है जैसे ही ये घटना हुई उस पर एक्शन चालू हुआ है और जहाँ जहाँ ये मस्ती करने वाले लोग है ना वो सब हमारे टारगेट पे आप चिंता मत करो आगे कुछ होएगा नहीं नितेश जी क्या आप होम मिनिस्टर जी से मिलके एसआईटी और सीबीआई की मांग करेंगे इस पहले तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन उनको दूंगा इस मेरी अपेक्षा ऐसा है कि यहाँ की परिस्थिति बदलनी चाहिए यहाँ के हिंदू समाज का मनोबल बढ़ना चाहिए ये हमारा पहला उद्दिष्ट है और उस हिसाब से हम लोग उस दिशा में जाएंगे सर रामराज्य आने के बाद हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं है महिलाओं को आप क्या कुछ करेंगे मैं हमारे माता भगिनों को इतना ही बोलूंगा जो हुआ उसके बारे में हम लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन लिया है आगे उनके तरफ देख टेढ़े नजर से देखने वाले जो को भी आंखें होंगी ना उनको हम लोग रखेंगे नहीं इतना विश्वास देता हूँ मैं त्यांची काय आरती थोडी करणार आम्ही ते मुद्दा पण घुसवले ते काढतात 10-15 ना 2-3 गेले काय प्रश्न
देखने के लिए।